तो दोस्तों दिसंबर में आईपीएल ऑक्शन होना है और इस मिनी ऑक्शन से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 8 अंग्रेज खिलाड़ियों के नाम जिनके इस बार आईपीएल में कीमत करोड़ों में होगी और ये भी हो सकता है कि एक खिलाड़ी इनका एक अच्छा खासा रकम भी ले जाए और ये भी हो सकता है कि इस बार के आईपीएल में ये खिलाड़ी इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, पूरे आईपीएल में शानदार रन भी बना सकते हैं और बॉलिंग में भी जौहर अपना दिखा सकते हैं। तो पूरा एनालिटिकल वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि वो कौन से 8 अंग्रेज खिलाड़ी हैं जो कि इस बार शानदार फॉर्म अपना बिखेर सकते हैं और इनका ऑप्शन में कीमत भी करोड़ों में हो सकता है। तो पूरा डिटेल वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अपने सूची में तो 8वें नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है टॉम करन। हाँ दोस्तों टॉम करन इस समय इंग्लैंड के रेगुलर परमानेंट मेंबर भी हैं और ये सैम करन के भाई भी हैं। और अगर हम बात करें टॉम करन की तो टॉम करन शानदार बॉलिंग और ऑलराउंड प्रदर्शन करके दिखाते हैं हर दफा और इनका खासकर ये बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन ये बॉलिंग के साथ लास्ट में आके एक अच्छा खासा शॉट भी खेल सकते हैं और अकेले दम पे ये मुकाबला भी जिता सकते हैं। लास्ट में अगर 30-35 रन चाहिए तेजी से तो टॉम करन के बनाने के अंदर इनके कैपेबिलिटी है कि ये इतने रन बना सकते हैं अकेले दम पे। अब बात कर ले हम दोस्तों नंबर 7 पे तो नंबर 7 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है लियम डॉसन। अगर हम बात करें लियम डॉसन इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और लगातार ये भी इंग्लैंड टीम के मेंबर हैं, खासकर T20 स्क्वाड में इनका लगातार ये खेलते हैं। और अगर हम बात करें लियम डॉसन की तो लियम डॉसन भी अच्छे ऑलराउंड हैं और ऑलराउंडर प्रदर्शन करके हर समय दिखा सकते हैं और इस बार भी इनकी कीमत हो सकती है इस बार के ऑप्शन में 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक ये भी बिक सकते हैं। अब हम बात करें नंबर 6 पे तो नंबर 6 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है लियम प्लंकेट। हाँ दोस्तों आपको याद ही होगा कि लियम प्लंकेट अभी आईपीएल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे और अगर इस बार लियम प्लंकेट आईपीएल में ऑप्शन में आते हैं तो ये भी अच्छा खासा रकम लेके जाएंगे और ये भी हो सकता है कि भारतीय पिच उनके लिए सूट भी करे और ये आईपीएल में आके अच्छा खासा विकेट भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसे टीमों को बॉलर्स की जरूरत है लियम प्लंकेट जैसे। अब हम बात करें अब इनकी क्या रह सकती है प्राइस, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से लेकर 2.5 करोड़ के ऊपर नहीं बिक सकते। अब हम बात करें नंबर 5 पे तो नंबर 5 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है मार्क वुड। हाँ दोस्तों अगर बात करें मार्क वुड की तो मार्क वुड आपको अच्छे से याद ही होगा कि आईपीएल 2018 में मार्क वुड चेन्नई सुपर किंग के से खेलते हुए नजर आए थे और वो एक ही मैच खेले थे, पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले थे, उसके बाद ये पूरे आईपीएल में नहीं दिखे और खासकर मिक्स सेशन में ये अपने देश वापस लौट गए थे जिसके बाद ये आईपीएल में लगातार नहीं दिखे हैं। अब बात करें इस बार के ऑक्शन का पूरा ये 100% श्योर है कि ये हिस्सा रहने वाले हैं और इनकी कीमत हो सकती है ये ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकते हैं 3 से 3.5 करोड़ के बीच में और ये भी हो सकता है कि 4 करोड़ तक भी ये बिक सकते हैं क्योंकि मार्क वुड के पास एक एक्स्ट्रा स्पीड है जिसके कारण ये बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारी टीम है जिसको मार्क वुड जैसे प्लेयर की जरूरत हो सकती है। अब बात कर ले हम नंबर 4 पे तो नंबर 4 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है क्रिस वोक्स। हाँ दोस्तों क्रिस वोक्स इस समय इंग्लैंड के परमानेंट ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं और क्रिस वोक्स शुरुआती न्यू बॉल से स्विंग भी कराते हैं और अच्छे खासा विकेट्स भी ले जाते हैं और अगर भारतीय पिच पे अगर ये शुरू में अगर विकेट्स लेते हैं खासकर स्विंग में अगर इनको अगर मदद मिलती है तो ये अच्छा खासा स्विंग भी करा सकते हैं और विकेट्स भी ले सकते हैं और अगर इनकी कीमत अगर हम बताएं कितने हो सकती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 4.5 करोड़ के बीच में बिक सकते हैं अगर हम बात कर लें क्रिस वोक्स की। तो अब बात करें नंबर 3 पे तो नंबर 3 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है जो रूट। हाँ दोस्तों जो रूट लगा जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है खासकर 2012 के बाद से जब से जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम से खेलने के लिए आए हैं लगातार ये कयासे लगाई जा रही हैं कि जो रूट इस साल ऑक्शन का हिस्सा होंगे लेकिन हर बार ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऑक्शन का हिस्सा नहीं रहते लेकिन इस बार 100% श्योर है कि जो रूट ऑक्शन का हिस्सा रहने वाले हैं और ये भी अच्छा खासा रकम लेके जाएंगे खासकर ऑक्शन से। और अगर हम बात कर लें जो रूट ऐसा क्यों कि ये अच्छा खासा रकम लेके जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जिनके पास कैप्टन की जरूरत है और जो रूट एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि कैप्टन की कयास से हटा सकते हैं सभी टीमों की तरफ से, तो इनके ऊपर भी काफ़ी नज़रें रहेंगी सभी टीम की और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बिक सकते हैं 4 से 4.5 करोड़ के बीच में। अब बात करें हम नंबर टू पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है इयन मॉर्गन। हाँ दोस्तों इयन मॉर्गन अभी कुछ साल पहले ही आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं और केकेआर की तरफ से ये खेलते थे लेकिन उसके बाद इनका फॉर्म बिगड़ा और ये बाहर हो गए आईपीएल से, ऑप्शन में भी नहीं बिक पा रहे थे लेकिन इस बार अच्छे खासे फॉर्म में है, खासकर ये वर्ल्ड कप के बाद से इनकी कयासें लगाई जा रही हैं कि ये लगातार इस बार आईपीएल के ऑप्शन का हिस्सा रहेंगे और ये भी हो सकता है इनके ऊपर अच्छी खासी बोली भी लग जाए
और इसीलिए मैंने इन्हें नंबर टू पे रखा है। और अगर बात कर लें इन्हें तो बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनके कैप्टन की जरूरत है, और ये भी हो सकता है कि ईएन मॉर्गन वो दुख दूसरी टीम का दूर करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात कर लें इनके क्या प्राइस रह सकते हैं इस बार ऑक्शन में, तो इनकी प्राइस रहेगी 5 से लेके 6 करोड़ के बीच में ये बिक सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है इयान मॉर्गन। अब बात कर लें हम दोस्तों नंबर वन पे, तो नंबर वन पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है जेसन रॉय। हाँ दोस्तों, इन्हें हम नंबर वन पे इसलिए रखे हैं, आप भी भली भांति जानते हैं कि जेसन रॉय क्या से क्या कर सकते हैं। अभी 2 साल पहले ही ये दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे, और दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से ये अच्छा खासा शॉट्स भी दिखा रहे थे, ओपनिंग करते थे, और हमें मुझे याद है कि एक दो मैच ही अकेले दम पे पूरा मैच मुकाबला जीता गए थे, लेकिन उसके बाद ये ऑक्शन का हिस्सा नहीं रहे थे और इसलिए वो पिछले साल का आईपीएल हमें खेलते हुए नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार ये भी ऑक्शन का हिस्सा रहेंगे और ये अच्छा खासा मोटा रकम लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जिनके पास एक परमानेंट ओपनर की जरूरत है, खासकर वो आरसीबी की टीम इन पे ज्यादा से ज्यादा नजर टिकाए रहेंगी, क्योंकि जेसन रॉय एक बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर है। और अगर हम बात करें इनपे ये कितने कमा सकते हैं रुपए, तो ये इस बार के ऑक्शन में कमा सकते हैं 5 से लेके 8 करोड़ के बीच में ये बिक सकते हैं। तो ये रहने वाली थी दोस्तों ये पूरी सूची थी खिलाड़ियों की, 8 अंग्रेज खिलाड़ियों की, जो कि इस बार के ऑक्शन में शानदार बिक सकते हैं और अच्छी खासी बोली से ये रकम भी कमा सकते हैं, और इस बार के आईपीएल में ये अच्छा खासा इम्पैक्ट भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है वो कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो कि इस बार के आईपीएल में शानदार फॉर्म अपना दिखाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस बार वीडियो खत्म।